हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्माज ब्लॉग। सुबह सुबह का दिन है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। बानू भी देख रहा है टीवी। बानू बोलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आई एम वाचिंग टीवी। आई एम वाचिंग टीवी। चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा, उसके बाद देखते हैं कि हम दिन में क्या क्या करेंगे। आती से गणेश जी की जय, गणेश जय, गणेश जय, ये अब गणेश जी, हमारी पूजा तो हो गई है। पूजा होने के बाद कर लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में है स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सीरियल्स। बानू क्या खा रही हो? बीन्स ब्रोकली खा रही हूँ। बीन्स एंड ब्रोकली, दिस इज आवर लंच। तो हमारा हो रहा है लंच, जिसमें है बीन्स और ब्रोकली। यू लाइक इट? कहाँ जा रही हो? बाहर? चलो चलो आ जाओ, जल्दी आ जल्दी। आ गई हूँ मैं थोड़ी देर बाहर अपने घर के। मैं वॉक करूंगी और बानो करेगी साइकिलिंग। आपको तो ठंडी नहीं लग रही, आप तो हॉट बॉय बन के आए हो हैं? हवा चल रही है, मुझे तो ठंडी लग रही है बानो। इतनी ठंडी तो मैं कान से निकाल देता हूँ। कुछ भी मतलब बानो, फुटपाथ पे यहाँ यहाँ आज मौसम वैसा ही है। आज मौसम है कैसा? मतलब ऐसे बोरिंग बोरिंग टाइप का। ठंडी है ऐसी? नो होती हवा? नहीं हवा तो बहुत है, पर देखने में ऐसे बोरिंग बोरिंग टाइप का। आलसी वाली ठंडी, आलसी। I see coat. And what do you see? I see mama. And what do you see? I see Beto. चलो फाइनली हम आ गए घर वापस घूम घाम के। ये अरे तुम्हारा पार्सल आ गया। ये वाओ, मेरा पार्सल आ गया। यूहू, मैसेज से मेरा पार्सल। क्या है इसमें? क्या है? तुम्हारा वैलेंटाइन गिफ्ट। मेरा वैलेंटाइन्स डे गिफ्ट आ गया वैलेंटाइन्स डे के बाद। पर लेट्स सी, चलते हैं अंदर और फिर करेंगे इसको अनबॉक्स। देखें क्या मंगाया है मेरे पति ने। यूहू, तुमने आज अपना पार्सल ओपन नहीं किया? हाँ मैं आपका वेट कर रही थी। आपने आप क्या चीज लेकर आए हो? अरे वाह, तो ये है मेरा वैलेंटाइन्स डे का गिफ्ट, क्योंकि हमने वैलेंटाइन्स डे बनाया नहीं और वैसे भी हम शादी शुदा है, ऊपर से हमारे शादी के 5 साल भी हो चुके हैं, तो इसलिए वैलेंटाइन्स डे नहीं बनाया। इसलिए मेरे पति ने सरप्राइज गिफ्ट कुछ तो मंगाया है। लेट्स सी, आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत पसंद आएगा। लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा, ओ वाओ, इट्स अ बैग। ओ इट्स अ बैग। अरे यार ये तो कुछ अच्छा बैग लग रहा है मुझे। अरे वाह, ये तो एमके का बैग है यार। वाह वाह वाह, ये थैंक यू बेबी, आई लव यू बेटू। वाह अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठो यहाँ बैठो, लेट्स ओपन इट। डैडी को टॉफी दे दो। अभी रुको। हाँ वाओ, देखो बेटो ये कैसे लगेगा, देखो मुझे बताओ कैसे लगेगा। क्या लगेगा बेबी? ये मुझे बहुत पसंद आया। वाओ ये चैन कैसी है। वो इसमें भी जेब है, पॉकेट है, फिट।
ये भी है, इधर बैठो, इधर इधर आओ। हाँ ये, वुहू, इसमें क्या है? अच्छा ये ऐसे इसको पन्नी लगा के देते हैं। वाह, ये लो बेटू। ओ वाओ, काफी बड़ा बैग है यार ये तो। देखो अंदर से ये है ऐसा, और इसमें एक है पॉकेट, और बीच में पार्टीशन भी है। अच्छा ये ऐसे करके खुलेगा? ये तो खुलता नहीं। ओके, अभी मैम के का बैग लेने की आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा। हाँ अब ये खुला अच्छे से। लेट्स सी, मैं इसको टांग के दिखाऊं। ये देखो बेटू, कैसा लग रहा है मेरा बैग? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दैट्स माय वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। बेटू, हाउ इज द बैग? यू लाइक द बैग? हो गई है शाम, हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा। चोखा हमारा बन चुका है, और ये है स्टफिंग सत्तू की, जो डलेगा लिट्टी में। आटा भी रेडी है, फटाफट से हम बनाते हैं लिट्टी चोखा। ये लेट्स सी, डैडी क्या कर रहे हैं? बाटी बना रहे हैं। डैडी बाटी बना रहे हैं, हम खाएंगे डिनर में चोखा बाटी। इंडिया से दूर हो के हम सब सीख गए। चुप रहा, सीख कद्दू के मुझे पहले ही आता था, पर बनाते तो नहीं थे ना। मामा देखो तुम सीख गए। हाँ मैं सीख गई, क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है ना, लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। लिट्टी हमारी बन रही है बेबी, चलो खाते हैं हम लिट्टी चोखा। चोखा खाना होता है ज्यादा। और ये आ गई हमारी लिट्टी, और ये है घी, खूब सारे घी में खूब सारा लिट्टी लगा के। देखो लिट्टी कितनी अच्छी सिकी हुई है, फट गई है सारी लिट्टी, एकदम बढ़िया एकदम सिकी हुई है। ये बन गया लिट्टी चोखा। बाय बेटू, हटो मामा, हटो, बाय। मुझे भी आना है। नहीं अब मैं, आप नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, मैं जिम मामा करने जा रही हूँ। बाय, बाय, आई लव यू, बाय। शाम हो चुकी है, डिनर मेरा हो गया है 1-1.5 घंटे पहले, और अब मैं जा रही हूँ जिम करने। थोड़ा सा बहुत ही मोटापा बढ़ रहा है, तो शाम के टाइम जिम करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो सुबह सुबह करना चाहिए, बट सुबह सुबह हो नहीं पाता है। एक्चुअली सुबह सुबह यहाँ बहुत ज़्यादा बाहर ठंड रहती है, तो मैं सुबह सुबह तो नहीं जाती, पर हाँ रोज़ डेली शाम को जाने की कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट कर दिया है। कॉलोनी में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वॉक करके ही जा रही हूँ। ये है मेरे सोसाइटी का जिम। आज बिल्कुल पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक्चुअली शाम के टाइम ज़्यादातर खाली ही रहता है। जिम से मैं बाहर निकल कर आ चुकी हूँ। लगभग मैंने आज 55 मिनट्स एक्सरसाइज की। ये है हमारी कॉलोनी का जिम,
और ये है स्विमिंग पूल एरिया जो कि अभी बंद है ठंड के वजह से, समर में खुलेगा। हाँ, जिम से वापस जा रही हूँ मैं घर। रात के बज रहे हैं 10 और मैं यहाँ अकेले आराम से घर जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कॉलोनी बहुत छोटी है, काफ़ी बड़ी है। जिम तक आते आते घर से मुझे लग जाता है आराम से 5 से 7 मिनट, और रात के 10 बजे वो भी US में अकेली मैं आराम से घूम रही हूँ। कोई डर की बात नहीं है, यहाँ पे अच्छी जगह है, इसीलिए मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं। और थक गई हूँ यार, रात हो गई है, तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं स्टॉप करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ सांगवी राजपूत, जो कि है मेरी बेटी का नाम।